बताओ क्या नाम आपका? कुलदीप है जी, हरियाणा वाल्मीकि महासभा का हल्का अध्यक्ष हूँ जी मैं, उचाणा का जी। उचाणा हल्के का, ठीक है। क्या माहौल बताओ, गांव कौन सा आपका? कसून जी। कसून से तो जो बीजेपी के कैंडिडेट भी हैं। हाँ जी। हाँ, तो उनका कोई जनाधार नहीं है जी, चौधरी ब्रजेंद्र सिंह का जनाधार है। हाँ। आपने देखे लिया जी मोल तो कितना मोल है जी। कसून गांव किसके साथ लग रहे हैं फिर? कसून में 50-50 है जी। 50 में धत्री है। हाँ जी। और 50 में ब्रजेंद्र जी, ब्रजेंद्र सिंह है। और ये जो निर्दलीय खड़े हैं इनका, इनका किसी का कोई वोट नहीं जी। अच्छा। हाँ जी। तो वाल्मीकि महासभा ने पूरा जो उचाणा हल्के की उन्होंने समर्थन दिया है ब्रजेंद्र सिंह? हाँ जी, पगड़ी पहनाएगा समर्थन कर रहे हैं जी। ठीक है, तो जीत है जीत है, जीत गए जी। आपने दिखन लाई रहा जी, तो एक तरफा बोल रहा है। किससे मान रहे हो इनका? इनका मुकाबला तो बीजेपी से, मतलब वैसे तो मुकाबला है नहीं जी। हाँ। दूसरा नंबर है बीजेपी रहनी है जी, बीजेपी रहनी है। हाँ जी। मनोज सरपंच दनखेड़ी। कौन सा गांव? दनखेड़ी। दनखेड़ी वाल्मीकि महासभा से। वाल्मीकि महासभा जी। किसका माहौल उचाणा हल्के में? उचाणा में ब्रजेंद्र सिंह का एक तरफा जीत है जी, बिल्कुल एक तरफा। एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा। और कोई शक नहीं जी, कोई शक नहीं है, बिल्कुल शक नहीं जी। इसका बीजेपी वाले का क्या माहौल है? कोई चांस नहीं जी, कोई चांस नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। कहीं ऐसा तो नहीं ये कई कैंडिडेट खड़े हैं? नहीं जी। वीरेंद्र खोगड़िया है, दिलबाग संडेल, वीरेंद्र काला चेयरमैन के बीच में से ये निकल जाए? आज तो वीरेंद्र सिंह का एक तरफ से बिल्कुल एक तरफा माहौल कर दिया वीरेंद्र सिंह का। हाँ। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी ने, दीपेंद्र हुड्डा, बिल्कुल जी। आज एक तरफा माहौल हो गया है और बिल्कुल एक तरफा ही माहौल रहेगा। रहेगा जी, बिल्कुल। ठीक है, आप बात करें, क्या नाम है? रणदीप नाम है जी, मंगलपुर गांव है मेरा। मंगलपुर गांव। हाँ जी। बड़ा फेमस गांव है मंगलपुर तो है। हाँ जी, एक तरफा माहौल है जी मंगलपुर में, से कम 1500 वोट भी जीता जी लगभग। अच्छा। हाँ, एक तरफा माहौल है सर सब कुछ। यूथ का भी सर एक तरफा विजेंद्र सिंह जी के साथ है। इस बार हल्के से कम 45,000 वोटों से जीत है सर। जो भी निर्दलीय खड़े हैं ना, अपने आप को कैंडिडेट मान रहे हैं। हाँ। कि सबकी जमानत जब्त है सर, एक का भी मोल नहीं बनता। इसका तो ठीक बता रहे हैं वीरेंद्र खोगड़िया का इलेक्शन ठीक ना सर, वही 10-12,000 वोटों तक का है बस, इतने तक सीमित है सर। बड़ी पॉलिटिकल बातें सीख के छोटी उम्र में। आप बताओ तो क्या नाम है? बलवान सिंह चौकंद, रिटायर्ड हेडमास्टर। गांव कौन सा? खरकबूरा। खरकबूरा, बताओ आपके गांव में किसका माहौल? मेरे गांव में तो एक तरफा सौदा है। जो बीजेपी के कुछ लोग हैं। हाँ। कुछ। हाँ। मैं कास्टिज्म पर नहीं जाऊंगा। ठीक है। वो तो समर्थन करेंगे जी। अदरवाइज 36 जात के जो भी वोटर हैं। हाँ। खुलकर बिना किसी भेदभाव के भाई ब्रजेंद्र सिंह को जिताएंगे। ठीक है। शोकंदा के दो कैंडिडेट हैं, विकास काला चेयरमैन है। कुछ नहीं, नथिंग। कितनी वोट है उसकी? 5-1 रह जाएंगे, आज 7 से। हाँ। रह जाएंगे 5-1। ठीक है। हाँ, वो रोजाना घटेगा। तो बड़ा गांव है उचाणा कला, बड़े गांव का कैंडिडेट ओड़े तो भाई आ रहेगा वो आ रहेगा भाई काला कड़ा रहेगा। हाँ, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है इसने ब्रजेंद्र ना राधे सारे मिलकर, दिलबाग संडेल, वीरेंद्र खोगड़िया, कुमार की बात है, कड़े चांटा कड़े मैं। अच्छा, यू भी कोई सिस्टम, ये सारे मिलकर भी कोनी लाइने में कौन है? ये तो भविष्य के लिए अपनी आइडेंटिफिकेशन करने खातिर पाँव पीट रहे हैं। अच्छा। हाँ, जनता बड़ी चालाक है। हाँ। और वोट नहीं खराब करेगी कोई भी अपना, आप भी नहीं हार में अपना वोट थोड़े डालोगे, कोई नहीं हार में डालता, हार में कोई नहीं डालता, नहीं डालता। चलो ठीक है। आप बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर है जी, जुलाना हल्का से हूँ मैं। अच्छा, जुलाना से। हाँ, मैं कांग्रेस का खास वर्कर हूँ, हाँ सिपाही हूँ। हाँ, हमारे से तो कम से कम 80,000 वोटों से भी निष्पक्ष जीते जीतेगी। 80,000 वहाँ तो लग रहा है, ऐसा माहौल लग रहा है। हाँ बिल्कुल 80। रही बात उचाणा की, उचाणा में भी कांग्रेस की सीट पक्की है। सीट पक्की है। हाँ ठीक है। चलो आप बताओ भाजी, नाम क्या है? नफे सिंह कुंडू। कुंडू कौन सा गांव से आए हो? इरका जींद। अच्छा, जींद हल्के से आ रहे हो। जींद में किसका माहौल है? मुकाबला आपके गाँव में भी, आपका गाँव भी तो कैंडिडेट है एक। हाँ, है वहाँ तो ये लग रहा है कि प्रदीप गिल ने कांग्रेस से समीकरण बिगाड़ दिए हैं जींद में तो। है, नाम बताओ क्या आपका? विकास। विकास कौन सा गांव? डुमरखा खुर्द। डुमरखा खुर्द गढ़ में से हो आप तो? बिल्कुल बिल्कुल गढ़ जी। ठीक है, बताओ किसका माहौल है? माहौल जी मारा तो 98% चौधरी ब्रजेंद्र सिंह 98% रह गया, और किसी की आई नहीं करते चौधरी कांग्रेस। पीछे तो नाराज हो गए थे पिछले चुनाव में आप लोग भी? नहीं, नाराज नहीं थे जी, वहाँ कुछ परसेंट थे वो हो जाते हैं, अब वो मन के सारे, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है भाई से भाई पे। अच्छा, वो कोई मनमुटाव हो जाता है, वो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब वापस फिर 98% है। 98% लग रहे हैं इस बार जीत हो जाएगी? जीत कम से कम भी 35-40,000 प्लस पाओगी, लोग मान रहे हैं, अब देख लेना लास्ट में। जो आसपास की जो खटखड़ खाप है यहाँ से कभी नहीं जीते ये वीरेंद्र सिंह, खटखड़ खाप के जो गांव है, इस बार क्या माहौल इन गांव में? इस बार इन गांव में सभी में जीत है जी, चाहे 100 वोटों की हो चाहे 200 की, अब की बार जीतेगा जी, कभी जीतता नहीं, अब की बार जीतेगा, अब की बार ऐसा माहौल बना। हाँ जी ठीक है। हाँ, 76 में भी कभी जीतता है जी, 2,500-3,000 की हार होया करती, अब की बार 76 से 2,500-3,000 की लीड ले रहे हैं। लीड ले रहे हैं? हाँ जी। पक्का कह दिया? पक्की फाइनल है जी। चलो देखेंगे 8 अक्टूबर को पता चलेगा। नाम बताओ क्या?
संजय कुमार, फास्ट ब्लॉक समिति मेंबर कसून से। कसून से? हाँ जी। कसून गांव का कैंडिडेट है ना वो? हाँ जी। देवेंद्रत्री बीजेपी का। कसून गांव का माहौल बताओ क्या है, ये जानना चाहिए। बहुत बढ़िया माहौल है जी। कितनी है बीजेपी वाले की गांव में? ये लगा लो जी, कम से कम 60-40 तो है। टोटल वोट कितने है कसून में? 2200 वोट है जी। 2200 में बीजेपी वाले कितने गांव का है? गांव का है जी 1000+ उनके, लगा लो। और 800-900 वोट आपने लिए ब्रजेंद्र सिंह के। हाँ। और ये जो निर्दलीय खड़े इनके, उनका न्यू तो एक आधा वोट तो एक रही, बाकी विजेंद्र सिंह का ज्यादा वो है। विजेंद्र सिंह का कैसा इलेक्शन देख रहे हो गांव वाले का? बहुत बढ़िया देख रहे हैं। नहीं नहीं, उसका बताओ गांव वाले का, देवेंद्र त्री का, उसका हल्के में है कहीं मुकाबला में वो? नहीं, विजेंद्र सिंह की जीत है जी, कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस जीतेगी जी। ठीक है। अच्छा, ये सारे सत्ती बिरादरी के लोग हैं कांग्रेस के साथ? सब है, सब कांग्रेस के साथ है जी। सब कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ क्यों है? 10 साल बीजेपी की सरकार रही, कुछ काम किस तरह मानते हो वो? काम तो चलो थोड़े घने जो कर उसके हिसाब से हुआ भी है, लेकिन कई बार महंगाई का मुद्दा, कई मुद्दे है जो इसमें कि बीजेपी ने काम किया ही नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, कुछ और लोग हैं इनसे बात करेंगे। आप बताओ क्या नाम आपका? सर नमस्कार, मैं दीपक मंगलपुर। दीपक मंगलपुर, क्या काम करते हो? मैं सर गवर्नमेंट तो एम्प्लॉय नहीं हूँ, एनजीओ में काम करता हूँ। एनजीओ में काम करते हो? ठीक है। तासीर क्या है हल्के की? हल्के की तासीर ये है कि सर, जैसे मेरा गांव मंगलपुर है, वहाँ पे तकरीबन 3500 वोट है और वहाँ तकरीबन 3000 के करीब जो पोल होते हैं, और अब की बार चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जी के तकरीबन 1000+ से वहाँ से जीत होगी सर। 1000+ से जीत होगी सर? हर समुदाय से सर। इसके तकरीबन गांव में ये मानो कि जैसे वाल्मीकि मोहल्ला है, चमार मोहल्ला है, और जाटों का है, ब्राह्मणों का है, सबका समर्थन जो है अगली बार चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जी को है। ठीक है। 19 में कौन जीता था मंगलपुर से? दुष्यंत। हाँ, दुष्यंत जीता था सर। दुष्यंत का कार्यकाल कैसे मानते हो उछाणा हल्के के लिए? दुष्यंत का कार्यकाल सर गांव के विकास को लेकर के और उचियाणा की जो पृष्ठभूमि, जैसे कि रहा है कि चौधरी बैंद सिंह जी का दबदबाव रहा है यहाँ पे, चाहे राजनीतिक तौर पे हो चाहे उसका हो विकास के तौर पे हो, तो इनका सर डामाडोर सिस्टम रहा है। मतलब इतना काम करा है दुष्यंत ने हल्के में? नहीं, हल्के में कोई काम नहीं हुआ वहाँ पे। कुछ यूथ के लिए रोजगार पर कुछ ऐसी एजुकेशन मिले, उसको रोजगार मिले, खाली घोषणा ही हुई है और ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि जिसके ऊपर कि ये बोला जाए कि भाई चौधरी उन्होंने ये काम किया। ठीक है, चलो। पढ़े लिखे हो आप और राजनीतिक गतिविधियों में एक्टिव हो, पूरा हरियाणा का माहौल बताओ क्या देखते हो आप लोग? हरियाणा का माहौल सर अब की बार बिल्कुल एक तरफा जो है कांग्रेस की जीत है और तकरीबन जी सर। अच्छा जी सर, 55+ 55+ 60+ बीच में, 55-60+ में कांग्रेस की सीटें मान रहे हो आप लोग? ठीक है, मतलब यानी कि सरकार आ रही है? सरकार आ रही है, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है 20 दिन बाद। कुछ और बच्चे हैं, यूथ हैं, यूथ से पूछेंगे, बताओ नाम बताओ क्या है? अजय नाम है जी। युवाओं में नौकरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यहाँ 2 लाख नौकरियों का एक मुद्दा है। ठीक है कि 2 लाख सरकारी वैकेंसी जो सैंक्शन पोस्ट है वो खाली पड़ी हैं और कांग्रेस ने वादा किया है कि हम अपने घोषणा पत्र में भी हम आएंगे तो 2 लाख नौकरियां भरेंगे। ये कितना बड़ा मुद्दा है यूथ के बीच में नौकरियों का? ये बहुत बड़ा मुद्दा है जी, क्योंकि अभी सरकार ने जो भर्तियाँ निकाल रही, जो पारदर्शिता तो कह रही थी, लेकिन जो बच्चे थे वो पेपर ले रही थी लेकिन रिजल्ट निकाल रही थी। आज का सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा है, हर युवा पेपर तो देता लेकिन वो रिजल्ट नहीं आता और नौकरियों से वंचित रह जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये सिरे नहीं चढ़ रही थी। और ये जो बीजेपी ये कहती थी हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां दी है, क्या ये असलियत है, ऐसी हुई है? नहीं, ये तो सिर्फ ढकोसला है जी, बिना पर्ची बिना खर्ची के, ये तो बस एक कागजों में इसी कागजों तक सीमित है ये। और कौशल को कैसा मानते हो आप? कौशल सबसे बेकार सिस्टम है जी, तो इन्हीं के बंदे बैठे जी कौशल में भी ऊपर, इन्हीं के बंदे गुजरात के बंदे। क्या मानते हो जो कौशल योजना थी जो सरकार की? हाँ जी, कौशल कहीं नहीं कि उसमें सारा सर सिस्टम से जो इन्हीं के आदमी थे और ये फैमिली आईडी के इसमें जन जन में बैठ रखे सारे कुछ। ओके चलो।